नमस्कार, स्पोर्ट्स ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े बड़े छक्कों और अच्छी गेंदबाजी के लिए तो यहां के खिलाड़ी जाने ही जाते हैं, बल्कि कमाल की फील्डिंग और एक से एक जबरदस्त कैच के लिए भी खिलाड़ी जाने जाते हैं। कभी उड़ते हुए विराट कोहली मैदान पर नजर आते हैं, कभी कुंफू पांड्या उड़ते हुए नजर आते हैं, कभी एवी डिविलियर्स नजर आया करते थे, तो कभी सुरेश रैना नजर आया करते थे। और तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से एक कैचेस आईपीएल में लेकर दिखाई हैं, जो दुनिया में हर जगह अपनी तारीफें जो है पा रही हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में बताएंगे वो सबसे टॉप पर पांच खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने आईपीएल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा कैचेस लिए हैं। हम छक्कों की और ज्यादा विकेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैचेस की बात कर रहे हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं, वो फिटनेस फ्रीक कौन से पांच खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा कैच अभी तक आईपीएल के पूरे इतिहास में ले चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इन पांच खिलाड़ियों को नंबर पांच से शुरू करेंगे। नंबर पांच का खिलाड़ी मतलब कम कैच, और नंबर एक का खिलाड़ी उसकी सबसे ज्यादा कैच, और नंबर एक पर जो खिलाड़ी है वो आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं, गेस करिए कौन हो सकता है। लेकिन नंबर पांच पर कौन है? नंबर पांच पर है विराट कोहली। जी हाँ, वही विराट कोहली जो 2022 में 27वें मैच में उड़ते हुए नजर आए थे, ऋषभ पंत की कैच करी थी, कमाल की कैच करी थी। उन्होंने भी अपने आईपीएल करियर में बहुत सारी कैचेस करी हैं, जिसके चलते वो पांचवें नंबर पर हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो शानदार रिकॉर्ड्स हैं। 100 कैच नहीं है, कम है, लेकिन वो कैच भी कमाल की है। विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में 205 आईपीएल के मैचों में 84 कैचें लपकी हैं, और ये 84 कैचें इस बात की गवाही देती हैं कि विराट कोहली कितने फिटनेस फ्रीक हैं और फिटनेस पर उनका कितना ध्यान रहता है। चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर पर कौन खिलाड़ी हो सकता है? चौथे नंबर पर वो खिलाड़ी है जो इस समय टीम इंडिया का कप्तान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं, और 100 कैच तो इन्होंने भी नहीं करी है, इन्होंने करी है 90 कैच, और ये 90 कैच है अपने आईपीएल के 213 मैचों में करी है जो अभी तक उन्होंने खेली है। अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है, और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 में हार रही है, लेकिन इससे पहले अपनी टीम को 5 बार खिताब जिता चुके हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे बैट्समैन होने के साथ बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तीसरे नंबर पर हैं मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, जो कि अब आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं 2022 आईपीएल में, अब नहीं खेलेंगे, लेकिन पहले खेला करते थे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेला करते थे। बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स तो इन्होंने खेली हैं, बहुत कमाल के चौके और छक्के भी लगाए हैं, लेकिन कैचेस भी दिल जीतने वाली ये लेते हैं, और एबी डिविलियर्स की भी 90 कैचेस हैं। अब आप इसमें मत चौंकिए कि एबी डिविलियर्स की भी 90 हैं, रोहित शर्मा की भी 90 हैं, तो ये आगे कैसे हैं? दरअसल इन्होंने कम पारियों में जो है ये कैचें ली हैं। एबी डिविलियर्स ने मात्र 130 पारियों में 90 कैचें ली हैं, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 100 कैचें ये भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन 90 कैचें 130 मैचों में काफ़ी अच्छा है। और एबी डिविलियर्स तो कितने फिटनेस फ्रीक हैं, और फिटनेस को लेकर ये कितने सीरियस रहते हैं तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड विराट कोहली भी इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पर हैं। तो देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन अब कौन हो सकता है अगला खिलाड़ी, अगला वो प्लेयर जो दूसरे नंबर पर है कैच लेने के मामले में पूरे आईपीएल में? नाम है कायरन पोलार्ड। शायद चौंक गए होंगे, लेकिन कायरन पोलार्ड की कैचिंग एबिलिटीज के बारे में कोई डाउट नहीं है। कायरन पोलार्ड बड़े खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, गेंद के साथ बल्ले के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन साथ ही में उनकी फील्डिंग को भी सराहा जाता है, और इसी के दम पर कायरन पोलार्ड इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। कायरन पोलार्ड ने अपने पूरे आईपीएल करियर में 178 मैचों में 178 इनिंग्स में 96 कैच ली हैं, 96 महज 4 कैच दूर हैं ये 100 का आंकड़ा लगाने से, और अगर ऐसा कर देंगे तो वो पहले खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे आईपीएल हिस्ट्री में जो 100 का आंकड़ा पार कर देंगे कैचों के मामले में। कायरन पोलार्ड का 2022 आईपीएल करियर थोड़ा फीका जरूर रहा है, लेकिन इससे पहले हर एक आईपीएल करियर में वो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी के संतुलन के साथ अपनी टीम के लिए जीत तय कर दिया करते थे, हार्ड हिटिंग किया करते थे, और मुंबई इंडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पिलार बना करते थे। अब आते हैं नंबर वन पर। नंबर एक पर कौन खिलाड़ी हो सकता है, गैस कीजिए। आपने कमेंट पहले भी किया होगा, लेकिन ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराते हैं। नंबर एक पर जो खिलाड़ी है उसे मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है, नाम है सुरेश रैना। जी हाँ, 2020 आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, किसी टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन 2021 से पहले ही 2021 तक के सफर में ही वो बड़े बड़े कारनामे कर चुके थे। सुरेश रैना ही ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी आईपीएल के पूरे इतिहास में जिन्होंने 5000 रन आईपीएल में पूरे करे, पहले खिलाड़ी आईपीएल के पूरे इतिहास में जिन्होंने 100 कैचें पूरी करी। सुरेश रैना ने 109 कैचें ली हैं, 100 पार करके 109 कैचें लिए, और सुरेश रैना का रिकॉर्ड अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मिस्टर आईपीएल इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है सुरेश रैना को, क्योंकि सबसे ज्यादा रन, मतलब सबसे ज्यादा 5000 रन करने वाले पहले
खिलाड़ी बने आईपीएल के, सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी भी हैं और सबसे पहले 100 कैच लेने वाले खिलाड़ी भी हैं। हालांकि 2022 आईपीएल में सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला, कोई टीम नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि अगले सीजन यानी कि 2023 के आईपीएल में वापसी होगी सुरेश रैना की। और किस टीम से वापसी होगी इसका पता नहीं है, देखते हैं। आपको क्या लगता है किस टीम से खेलेंगे सुरेश रैना, और इन तमाम प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपकी राय हमारे लिए है बहुत जरूरी। वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स पैक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रहें आईपीएल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड। और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।